Hey guys, welcome back to प्रेम कार व्लॉग्स। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेन्यू डार्क एडिशन, जो कि फाइनली अब आ चुकी है शोरूमों पे और हम इसका फुल रिव्यू देंगे, फुल वीडियोस में क्या क्या फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं है डार्क एडिशन के बारे में, सबको ये लगता है कि भाई ब्लैक में आती है और ये डार्क एडिशन में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं और कितना प्राइसिंग रेंज है, क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, तो लुक वाइज क्या मिलते हैं लुक वाइज। तो अब हम बात करते हैं भाई क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल जाते हैं। सबसे एंड में हम इसकी प्राइसिंग का बताएंगे। तो एक बार लुक्स देखिए भाई, क्या ही ज़बरदस्त लुक आ रहे हैं। पहले से इसके अंदर DRLs और प्रोजेक्टर मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें हेलोजन मिलती है, इंडिकेटर्स यहाँ पर कोई ये रिफ्लेक्टर टाइप के दे रखे हैं और सेंसर्स भी इसके अंदर हमें फ्रंट में मिल जाते हैं, 2 सेंसर फ्रंट में मिलते हैं। और साइड से आप लुक देखिए, इस टाइप के इसके हमें स्पेयर व्हील के कवर मिल जाते हैं। ये देखिए लुक्स वाइज ये है, पर अलॉय नहीं आते हैं इसके अंदर, इस टाइप के इसके स्पेयर व्हील्स के कवर आ जाता है। तो ये है इस टाइप का इसका लुक। और साइड सामने से दिखाते हैं भाई, सामने से तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक दे रही है वेन्यू। ब्लैक में तो भाई दबदबा तो बना ही है, ब्लैक में ब्लैक गाड़ी, हर गाड़ी ब्लैक में तगड़ी ही लगती है भाई, को कुछ भी कहो तगड़ी ही लगती है ब्लैक में तो। और फ्रंट में हम बताएं, फ्रंट में देखिए वाइपर्स और इस टाइप के इसके मिल जाता है लुक्स। मसल्स देखिए, इस टाइप की इसकी मसल्स मिल जाती हैं ब्लैक में, ज़बरदस्त लुक है कि नहीं कमेंट में बताना। और इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स भी हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, वो भी भाई LED में। ये देखिए साइड में ORPM समय मिल जाते हैं। लुक्स बताइए किस टाइप के इसके लुक्स लग रहे हैं। मसल्स देखिए भाई, क्या ही ज़बरदस्त मसल इसके अंदर मिलती है हमें, पूरी साइड में मसल्स जो है ना, यही इसी वजह से बिक रही थी भाई स्टार्टिंग में जब आई थी, बहुत ही ज़्यादा बिक रही थी वेन्यू ब्लैक में। तो भाई ज़बरदस्त तो है ही लुक्स। और साइड से देखिए ग्राउंड क्लियरेंस भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मिल जाता है। और पीछे वाले लुक्स के लिए तो हम आपको बताएंगे, ऊपर देखिए हमें एक बीच में ऊपर एंटीना मिल जाता है और ये इसकी भाई स्लोपिंग रूफ इस टाइप के मिल जाता है इसका स्लोपिंग रूफ। और साइज से लुक वाइज तो है ही ज़बरदस्त। अब हम दिखाएंगे भाई फाइनली जो पीछे से आया ना लुक, ये देखिए भाई ज़बरदस्त कनेक्टेड बैक लाइट मिल जाती है इसके अंदर, जो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अगर आपको देखा जाए ना, तो ये पूरा एक एच बना हुआ है, लंबा सा एच बना हुआ है, कनेक्टेड मिल जाती है, क्योंकि होंडाई की पहचान है भाई, सबसे पहले ही निकाली गई थी होंडाई ने कनेक्टेड के साथ। और इंडिकेटर्स देखिए LED के साथ मिल जाते हैं, ये पूरा LED टेल लाइट मिल जाता है, जो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और जब हम इसकी ब्रेक लगाते हैं तो ये वाली जो चलनी रहने ये भी जलती हैं, तो बैक लाइट कमेंट बताना भाई क्या ही लुक लग रहा है। ये हमारे पास वेरियंट है SX वाला, SX ऑप्शनल वेन्यू का। तो पीछे भी हमें बैक कैमरा मिल जाता है, हेलोजन लाइट मिल जाती है नेम प्लेट के लिए, और इसके पीछे हमें मिल जाते हैं 2 सेंसर्स पार्किंग सेंसर्स। और यहाँ पे लुक्स वाइज देखिए क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। बूट स्पेस दिखाते हैं आपको, बूट स्पेस की तो भाई कमी नहीं है, हाइड्रोलिक खुल जाता है, बूट स्पेस भाई डिसेंट से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक यहाँ पर भी लाइट हमें मिल जाती है हेलोजन डिग्गी के लिए। और इसके जो हमारे टायर हमें वो यहाँ मिल जाता है, स्पेयर व्हील टायर, टूल किट है, टूल किट मिल जाती है, पार्शल ट्रे मिल जाती है, जो कि हम अगर नहीं मिलती है तो हम अलग से एक्सटेंडर लगवा सकते हैं बाहर से, आफ्टर मार्केट से। तो भाई बूट स्पेस तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लुक वाइज तो भाई कुछ कमी ही नहीं है इस गाड़ी में, सबसे ज़्यादा सेल हुई थी जब आई थी ना, ये दबदबा बना दिया था भाई इस गाड़ी ने। तो अभी हम फाइनली बात करेंगे भाई इसके इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हैं। हम बात करते हैं भाई इंटीरियर में, जैसे हम जाते हैं तो ये इसमें भी हमारा वही देखा, कीलेस एंट्री मिल जाती है इसके अंदर। अब देखें तो ये देखिए बटन जो दे रखी है ना, कीलेस एंट्री है, इसको दबाएंगे तो ये भाई खुल जाती है ऑटोमेटिक, अगर की पास में होगी जब भी खुलेगा। तो अभी हम बात करें गेट की, तो गेट पर क्या क्या चेंजेस हैं, वही हमारा जो सेम पीछे पहली वाली हमारा था वही सेम है। और यहाँ पर हमें एक स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पर सारे मिल जाते हैं कंट्रोल्स, जो कि पावर विंडो के होते हैं, और फोल्डेड भी मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेड
मिल जाते हैं, वो RVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं और पावर विंडो मिल जाती हैं और ये सब चीज़ें, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। ये हमें आपको लग रहा होगा ये भाई लेदर है, ये लेदर नहीं है, ये पूरा हमारा फाइबर प्लास्टिक के साथ बना हुआ है। यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं और साइड से लुक वाइज की बात करें इंटीरियर में भाई देखिए क्या ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन दे रखा है ब्लैक और क्रीम कलर के साथ। और यहाँ पे हमें एडजस्टेबल मैनुअल मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूलिंग का ABC का यहाँ पे मिल जाता है कंट्रोल्स, और ये हमारा आगे का बोनट खोलने के लिए, और यहाँ पे हमारी हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाता है और कैमरा व्यू का भी बटन भी दे रखी है यहाँ पे, यहाँ पर अलग से बटन दे रखे कैमरा व्यू की जो कि इसके अंदर मिलते हैं कैमरा व्यू, और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऑटोमेटिक के साथ हमें मिल जाता है इसका बटन, मतलब कीलेस एंट्री तो मिलती है, वही इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, उधर साइड में वाइपर्स के कंट्रोल। तो अभी हमें इंटीरियर में अंदर जाके बताते हैं क्या क्या मिल जाता है इसके अंदर इंटीरियर में। चलो भाई हम इंटीरियर में आ चुके हैं, तो भाई इस टाइप का इसका लुक्स मिलता है। स्टीयरिंग देखिए भाई का ही ज़बरदस्त क्रिएटर जैसा लुक है पूरा, स्टीयरिंग पूरी चेंजेस कर दी गई है, सारे कनेक्टिविटी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके अंदर, हॉर्न चेंज है आपके और ये सारे कनेक्टिविटी, ये हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम। भाई क्या ही ज़बरदस्त लुक है इसका स्क्रीन का, भाई साहब क्या ही फुल्ली HD में दे रखा है इसमें। देखिए सारे नेविगेशन मैप सारे सब कुछ, वॉइस क्लाइमेट वेंटिलेटर सीट और ब्लू लिंक नोटिफिकेशन मीडिया और एप्पल और एंड्रॉयड ऑटो प्ले सब कुछ है इसके अंदर सिस्टम सारा। तो ये चीज़ भाई ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पे AC दे रखे हैं, क्या ही लुक्स है, प्रीमियम लुक दे दिया गया है आपके आप देखें तो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्किंग की बटन्स दे रखी है और यहाँ पे हमें मिल जाता है भाई ऑटोमेटिक AC कंट्रोल, ऑटोमेटिक भी है हमारा मैनुअल भी है। तो इस टाइप का इसका लुक मिल जाता है, ये देखिए भाई ऑटोमेटिक में हमारा इस टाइप की लाइट ही जलती है आप देखे तो। भाई फ्रंट में हमारा वही ऑटोमेटिक का मिल जाता है, ऑटोमेटिक ही अपना सारा कंट्रोल करता है AC का। और यहाँ पे हमें एक स्लॉट मिल जाता है Type-C का और यहाँ पे 12 वॉट और 120 वॉट का मिल जाता है USB का। वायरलेस चार्जर भी है यहाँ पे, वायरलेस चार्जिंग का भी सिस्टम इसमें दे रखा है। 5 गियर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, रिवर्स कैमरा है इसके अंदर भाई, रिवर्स कैमरे की भी क्वालिटी आपको दिखा देते हैं इस टाइप की इसकी रिवर्स कैमरे की। अभी तो उसमें एक पॉलीथिन लगी हुई है तो इसलिए क्लियरिटी ऐसी आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त क्लियरिटी है इसकी। तो आप देखिए भाई इस टाइप का इसका लुक मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक। और यहाँ पर एक ड्रॉ मिल जाती है, ये चीज़ बहुत सही करी गई है कि यहाँ पर हमें अब स्पेस दे दिया गया है, यहाँ पर अगर कोई बंदा भी बैठेगा तो वहाँ पर अपना फ़ोन रख सकता है। तो ये चीज़ वेन्यू होंडाई ने भाई ज़बरदस्त किया है, यहाँ पे ग्लास होल्डर का है रखने के लिए, यहाँ पे आर्मरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है भाई, आर्मरेस्ट में भी ज़बरदस्त लुक है। और इसके अंदर हमें मिल जाता है भाई SOS का भी सिस्टम, ये देखिए भाई SOS का भी मिल जाता है इसके अंदर, जो कि और गाड़ियों में नहीं आ रहा है इस वाली सेगमेंट में। तो अभी हम दिखाते हैं इसका भाई, इसमें हमें मिल गया भाई सब कुछ, टॉप मॉडल जिसे कहते हैं ना वो है ये। और यहाँ पर हमें देखिए लाइट मिल जाती है, एक हैलोजन, दोनों साइड में हैलोजन लाइट मिल जाती है। और हमें इसमें एक यहाँ पर वाइपर, ये हमारा भाई सबसे तगड़ा चीज सनरूफ भी मिल जाती है इसके अंदर, मतलब एक बंदा आराम से यहाँ खड़ा हो सकता है, दो बंदे इधर खड़े हो जाओ एक इधर खड़े हो जाओ बस बढ़िया भाई, दो बंदे आराम से यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो ये है इसका ज़बरदस्त भाई, एक ही बार में ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है, ये देखिए एकदम फिटिंग की तरह जो क्लोज होता है ना वो है। यहाँ पे दोनों साइड में हैंडल वगैरह दे रखे हैं, स्पीकर्स हैं, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके अंदर वेन्यू में इंटीरियर में। और एक लाइट हमें यहाँ पे भी दे रखी है, जो और वाले वेरिएंट आ रहे हैं ना उसमें हमें फ्रंट में लाइट नहीं मिलती है, बस खाली पीछे की साइड में लाइट मिलती है, इसमें हमें पीछे की साइड में भी लाइट मिल जाती है। अभी हम बात करते हैं बैक साइड में कितना कम्फर्टेबल है कि नहीं है, चलते हैं। हम बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर में रियर साइड में क्या क्या मिलता है। इसका हैंडल वही सेम है लगभग, और पावर विंडो का है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ बॉटल होल्डर, स्पीकर, इस टाइप का इसका भाई एंट्रेंस है।
तो जैसे हम अंदर घुसेंगे, स्पेस की बात करें, अभी तो हमने बहुत कर रखा है, हमने बहुत कर रखी है पीछे की साइड में, तो स्पेस तो भाई काफ़ी सही है। एसयूवी है ही भाई, कॉम्पैक्ट एसयूवी मानते हैं इसको, और फिर भी देखिए भाई कितना स्पेस है इसके अंदर। पीछे की साइड में भी एसी मिल जाता भाई, दो स्लॉट यूएसबी के, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इस टाइप से इसका लुक्स लगता है पीछे से और डैशबोर्ड का। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये डैशबोर्ड आपको किस टाइप का लुक लग रहा है, कौन सी गाड़ी की याद दिला रहा है, क्रेटा की याद दिला रहा है या किया की, तो कमेंट में बताना मेरे को। अब हम बात करेंगे इसके भाई बाहर जाके प्राइसिंग की और माइलेज की। हम बात करते हैं भाई, इसमें इंजन मिल जाता है 1200 सीसी का। इसकी माइलेज की बात करें तो माइलेज इसके अंदर भाई मिल जाती है लगभग ये 18 तक का ये एवरेज दे देती है अगर हम सिटी में चलाएं तो। अगर बाहर अगर लंबे रूट के लिए जाएं तो 22 तक तो आराम से ये निकाल देती है वेन्यू 1200 सीसी के अंदर भाई, है कि नहीं ज़बरदस्त। मेरे को कमेंट बताना भाई माइलेज देती है कि नहीं, माइलेज की वीडियो भी हम आपको डाल देंगे, एक शॉर्ट बना के डालेंगे। और लुक्स वाइज बताओ भाई कमेंट करके किस टाइप का इसका लुक है और क्या ही एग्रेसिव लुक है मिल गया इसका, जो पुरानी जो वेन्यू आ रही थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लुक है। ले हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लें तो प्राइस इसकी हमें ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है भाई 15 लाख तक की ये टॉप मॉडल आती है इसकी ऑन रोड प्राइस। तो कमेंट में बताना भाई कैसी लग रही है, लुक वाइज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि भाई मेरे पास भी यही गाड़ी है और मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, और जब ये आपको बता रहा हूँ इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि भाई ज़बरदस्त लुक है इसकी। जो स्टेयरिंग जो आप चलाओगे ना भाई क्या ही ज़बरदस्त तरीके से घूमती है, ज़बरदस्त लुक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।